हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसी रिव्यूज़। कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ योजना सितंबर 2022 के इशू का एक विजुअल प्रीव्यू। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे इस बार के इशू के कंटेंट को। वैसे जो थीम है इस बार के इशू का वो है JNK एंड लद्दाख। ये एक स्पेशल इशू है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो प्राइस रहती है यूजुअली इस मैगजीन की वो ₹22 रहती है, लेकिन इस बार के इशू की प्राइस है ₹30। आई थिंक यहाँ तक मुझे याद है जो प्रीवियस इशू था वो भी ₹30 का था, यानी कि वो भी एक स्पेशल इशू था। तो आइए खोलते हैं इस मैगजीन को। वैसे टोटल आपको 12 आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे इस बार के इशू। सबसे पहला और लीड आर्टिकल आपको मिलेगा इस मैगजीन का, काउंटर टेररिज्म सिनेरियो इन JNK। उसके बाद आपको फोकस आर्टिकल मिलेगा अशरिंग इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद आपका ये स्पेशल आर्टिकल है ट्राइस्ट विद सिनेमैटिक पैराडाइज, जो कि लिखा है अपन नितीश्वर कुमार ने। उसके बाद आपको ये सस्टेनेबल टूरिज्म बाय अविनाश मिश्रा एंड मधुवंती दत्ता। उसके बाद आपको ये आत्मनिर्भर लद्दाख एजुकेशन एंड स्किलिंग। देन उसके बाद आपका है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड बाय इशफाक माजिद एंड डॉक्टर वाई विजया लक्ष्मी। फिर आपको अगला आर्टिकल मिलेगा फॉस्टरिंग MSMEs, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस एंड आर्टिसंस। और फिर आपका अगला आर्टिकल है ब्लूमिंग बिजनेस ऑफ लेवेंडर बाय डॉक्टर सुमीर गायरोला, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन JNK। उसके बाद आपको आर्टिकल मिलेगा वेयर स्काई इज नॉट द लिमिट बाय डॉक्टर विनय कुमार। फिर आपका ये 11th आर्टिकल है कश्मीर पोएट्री एंड मिस्टिसिज्म बाय डॉक्टर नम्रता चतुर्वेदी। आखिरी और 12th आर्टिकल रहता है इस बार के इशू का डॉगरी लिटरेचर बाय राजेश्वर सिंह राजू। सबसे पहले दोस्तों आपको मिलेगा एक एडिटोरियल द लैंड ऑफ कॉन्फ्लुएंस के नाम से। यहाँ पे आपको जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख की कल्चरल सिग्निफिकेंस के बारे में बताया जाएगा, जो कल्चरल ब्यूटी है, जो अलग अलग रिलीजियंस के लोग यहाँ पे रहते हैं और जो कुछ भी है, मतलब यहाँ पे उसका आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। सबसे पहला आर्टिकल और लीड आर्टिकल रहता है इस बार के इशू का काउंटर टेररिज्म सिनेरियो इन JNK, जो कि लिखा है डॉक्टर समीर पाटिल ने। फिर उसके बाद दोस्तों आपका ये दूसरा आर्टिकल है अशरिंग इन्वेस्टमेंट्स। एंड देन आपका ये थर्ड आर्टिकल रहता है ट्राइस विद सिनेमैटिक पैराडाइज। काफ़ी अच्छे से यहाँ पे आपको आर्टिकल की कवरेज मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कितने बड़े स्पेस में आपको ये फ्लावर्स की एक गार्डन की इमेज देखने को मिलती है। एक डेवलपमेंट रोड मैप है जहाँ पे आपको टुवर्ड्स ईज ऑफ लिविंग जो भी एक्सपेंडिचर हुआ है या फिर जो भी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं फॉर द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन, वो सब आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर आपका ये सस्टेनेबल टूरिज्म बाय अविनाश मिश्रा एंड मधुबंती दत्ता, इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट इकोलॉजिकली डाइवर्सिफाइड नेशंस। तो आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि कैसे JNK और लद्दाख एक ऐसा रीजन है जहाँ पे टूरिज्म के थ्रू काफ़ी वेल्थ अर्न की जा सकती है। इवन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टूरिज्म, तो उसी की सिग्निफिकेंस आपको यहाँ पे मिलेगी इस आर्टिकल में देखने को। फिर आपका ये नेक्स्ट आर्टिकल रहता है एजुकेशन एंड स्किलिंग बाय पद्मा एंगमो। तो यहाँ पे आपको एजुकेशन और स्किल्स के बारे में बताया जाएगा जो यहाँ के सिटीजन्स डेवलप कर सकते हैं JNK एंड लद्दाख रीजन के। देखिए दोस्तों, काफ़ी टाइम से ये रीजन बैकवर्ड रहा है, ये अपलिफ्ट नहीं हो पाया है कुछ कारणों की वजह से, तो वो सब आपको बताए जाएंगे। आफ्टर 2019 जब से 370 एब्रोगेट हुआ है, तो कुछ चेंजेस आए हैं, कुछ डेवलपमेंटल पॉलिसीज अडॉप्ट की जा रही हैं, तो उन सब के बारे में आपको बेसिकली इस इशू में पता चल जाएगा। ये एक आपका एडवर्टीजमेंट टाइप का है। तो वैसे तो आपको पता ही है कि ये जो मैगजीन है वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही पब्लिश की जाती है, जो पब्लिकेशन डिवीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। फिर आपका ये एक आर्टिकल है ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। देखिए दोस्तों, डिजिटल डिवाइड हम उस प्रोसेस को कहते हैं जहाँ पर कुछ लोग डिजिटली हद से ज़्यादा एक्टिव हो जाएँ और कुछ लोग जिनको डिजिटल की नो हाउ बिल्कुल ही पता ना हो। बीच बीच में आपको एडवर्टीजमेंट्स भर भर के मिलते रहते हैं। फिर आपका ये एक आर्टिकल है फॉस्टरिंग MSMEs एंड आर्टिसंस, जो आपके JNK और लद्दाख के रीजन में है, कैसे हम इनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, और इवन जब इनका डेवलपमेंट होगा तो कहीं ना कहीं इस रीजन का होगा, और जब इस रीजन का डेवलपमेंट होगा तो ओवरऑल कंट्री का डेवलपमेंट भी होगा। फिर आपका एक आर्टिकल रिलेटेड टू पर्पल रिवॉल्यूशन है ब्लूमिंग बिजनेस ऑफ लेवेंडर। तो लेवेंडर के जो भी यूजेस होते हैं, बेसिकली आपका परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज़ होता है और फ्लावर्स तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, तो लेवेंडर कल्टीवेशन के बारे में आपको बताया जाएगा। चार्ट्स मिल जाते हैं आपको, टेबल्स मिल जाती हैं, इमेजेस तो भर भर के मिलती हैं, ताकि आप अच्छे से समझ सको कि एक आर्टिकल में आपको क्या पढ़ना है, क्या समझना है। दोस्तों आपका एक आर्टिकल रहता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन JNK बाय यासिन एम चौधरी। तो देखिए दोस्तों, इस मैगजीन को पढ़ने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि जो आर्टिकल्स आपको यहाँ पे मिलते हैं वो एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ के द्वारा लिखे थे। कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने भी आर्टिकल्स यहाँ पे दिए हैं इस बार के इशू में या फिर किसी भी इशू में, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी एजेंसी से बिलोंग करते हैं या फिर किसी अच्छी पोस्ट पर होते हैं जो अपने पर्सपेक्टिव्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप UPSC एस्पिरेंट्स हैं तो इन सभी लोगों के पर्सपेक्टिव्स जानकर आपको काफ़ी मदद हासिल होती है एग्जाम को प्रिपेयर करने में। अब जैसे कि ये जो आर्टिकल है वेयर स्काई इज नॉट द लिमिट, जो कि लिखा है आपका डॉक्टर विनय कुमार ने। डॉक्टर विनय कुमार जो है वो एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के। ये आपको हैनल स्पेस ऑब्जर्वेटरी के बारे में बताया जाएगा, जो आपका लेह लद्दाख में सिचुएटेड है। फिर आपका एक आर्टिकल है कनेक्टेड टू लिटरेरी लैंडस्केप कश्मीर पोएट्री एंड मिस्टिसिज्म बाय डॉक्टर नम्रता
चतुर्वेदी। तो यहाँ पे आपको पोइट्री के बारे में बताया जाएगा, जो भी पोइट रह चुके हैं इस रीजन से, जो भी मतलब फेमस पोइम्स हैं, कविताएं हैं, उन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। डोगरी लिटरेचर के बारे में बताया जाएगा आपको, जो कि आपका लिखा है राजेंद्र सिंह राजू ने, जो इवेंचुअली इस बार के इशू का आखिरी आर्टिकल भी है। तो कवरेज काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है, कलरफुल ये मैगजीन है, काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। आप खुद ही देखिए कि 30 रुपये में आपको इतनी कलरफुल और इतनी विजुअली रिच मैगजीन पढ़ने को मिल रही है। ये मैगजीन ना सिर्फ आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी, बल्कि अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट्स हैं तो जो मेन एग्जामिनेशन में आंसर राइटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उनमें भी ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। देखिए इन आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाता है कि कोई भी एक इमिनेंट पर्सनालिटी, चाहे वो ऑथर हो, प्रोफेसर हो, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किसी भी एजेंसी का वर्कर हो, वो कैसे अपना पर्सपेक्टिव लोगों के साथ शेयर करता है, कैसे शब्दों का सही चुनाव करके एक आर्टिकल तैयार करता है। कि इस मैगजीन का जो थीम है वो हर महीने चेंज होता रहता है, तो अलग अलग टॉपिक्स पर आपको जानकारी मिल जाती है। UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस मैगजीन को पढ़िए, मंथली बेसिस पर आती है, चाहे तो आप इसका सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं या फिर मंथली बेसिस पर आप इसे अपने नियर बुक स्टोर से बाय कर सकते हैं, काफी कम प्राइसेस की रहती है। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप हिंदी भाषा में इस मैगजीन को पढ़ना चाहते हैं तो इसका हिंदी संस्करण भी आता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस बार के इशू का आइडिया लग गया होगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स आपको मिलते हैं और कैसे कैसे मिलते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर अगर आप नए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।